रुक करांगे अगली खबर दा। भारत सरकार दा सेक्ट फॉर जस्टिस खिलाफ वड्डा एक्शन। सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों खालिस्तानी जथेबंदी नाल जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए ने। एसएफजे नाल जुड़े सारे एप्स वैबसाइट्स ते सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए ने। एसएफजे ने विधानसभा चोणां विच माहौल बिगाड़न की कोशिश की सी। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने एसएफजे खिलाफ वड्डा एक्शन लिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों खालिस्तानी जथेबंदी नाल जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए ने। एसएफजे नाल जुड़े सारे एप्स वैबसाइट्स ते सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए ने। एसएफजे ने विधानसभा चोणों विच माहौल बिगाड़न की कोशिश की सी, जिस तों बाद ये वड्डा फैसला लिया गया। तो भारत सरकार ने सिक्स फॉर जस्टिस खिलाफ यह वड्डा एक्शन लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों खालिस्तानी जथेबंदी नाल जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए ने। ऐसी खबर से वधेरी जानकारी देने लई साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा जुड़ गए ने। जी हरप्रीत, भारत सरकार ने वड्डा एक्शन लिया है सिख फॉर जस्टिस खिलाफ। एक्शन लेंदे आ कई एप्स सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए ने। देखो लगातार सरकार ऐसी कार्रवाइयां करती आ रही है कि जो देश विरोधी ताकतां ने या जो देश विरोधी काम करने वाले लोग ने उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस तो पहला भी अभी देखा सी कि किस तरीके ना सरकार ने जिहड़े चीनी एप्स ने उन्होंने बैन किया, तो हुण इस तो जिहड़ा एसएफजे दे नाल जुड़े हुए अकाउंट्स ने उन्होंने उत्ते कार्रवाई की गई। एसएफजे के उपर पहला भी सरकार बैन कर चुकी है। लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस तरीके के भड़काऊ बयान देते रहे, जिस तरीके बयानबाजी करते रहे ने, उसना खास तौर पर सिखां की छवि में ज्यादा डेंट होंदा है। खास तौर पर वो सिख जिहड़ा पंजाब तो बाहर रहिंदा है, वह सिख जिहड़ा कल्ला कल्ला जगह जगह से बैठा है। कद गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने निजी स्वार्थां लई इस तरीके के बयान जिहड़े दिंदे ने, उसका सब तो वड्डा खामियाजा ही सिखां नूं भुगतना पै रहा है। लगातार सरकार एसएफजे के उत्ते शिकंजा कसण की कोशिश कर रही है। लगातार उसनू जिहड़ा उहनां दी जिहड़े इहो जिहे काम ने उहनां नूं बंद करन दी काम कीते जा रहे हैं। तो हुण वी आईएनबी मिनिस्ट्री ने अज हुकम दिते ने कि जिहड़े ऐप्स ने, जिहड़े वैबसाइट ने, सोशल मीडिया अकाउंट ने जो कि एसएफजे दे नाल लिंक ने, उन्होंने तुरंत प्रभाव के बंद किया जाए। तो उन्होंने जुड़ी सारी जी समगरी है उसको इंटरनेट तो हटाया जाए। तो मनिया जाए कि भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ। हरप्रीत, यह भी कहा जा रहा है विधानसभा चोणों दौरान एसएफजे ने माहौल बिगाड़न की कोशिश की सी, इस बारे जानकारी चाहेंगे। देखो लगातार एसएफजे यहोजे काम करता रहा। एसएफजे लगातार भारत सरकार के खिलाफ जिहड़ियां जो चीजा बोलता रहा उसनू लैके भारत सरकार लगातार इतराज जताती रही है। वक्खवाद की गल ना कोई सिख करता है, ना कोई सिख यहोजी गल नू प्रमोट करता है। खास तौर पर वो सिख जिहड़ा भारत दे विच रहिंदा है, ये वो लोग ने जो भारत तो बाहर रह रहे हैं। भारत तो बाहर रह के ये लोग यहो जी गल्लां करते हैं, तो वह जी गल्लां भारत के इस चुनाव जो पंजाब के चोणां हुईयां उस दौरान भी ये लोग करते हुए नजर आए। तो मन्या जा रहा है कि इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी, खास तौर पर मीडिया भी फोन आते हैं, मीडिया कर्मियों वक्रे वक्रे तौर पर फोन किए जाते हैं, वीडियो सर्कुलेट कराए जा रहे हैं। तो उन्होंने चलदिया ही यह भारत सरकार ने एक वड्डा कदम चुकया है एसएफजे के खिलाफ। जी हरप्रीत, तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो भारत सरकार ने वड्डा एक्शन लिया सिख फॉर जस्टिस खिलाफ। वड्डा एक्शन लेंदिया सूचना प्रसारण मंत्रालय वालों खालिस्तानी जथेबंदी नाल जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए।